व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम पढ़ने जा रहे हैं माई इंग्लिश बुक 7। फेबल नेम इज़ द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस, पेज नंबर 39। ये कहानी में हमें शहर और देहात के फ़र्क को दर्शाया गया है, बताया गया है। टाउन छोटा शहर, कंट्री यहाँ पर मीनिंग देहात के लिए लिए गए हैं। कंट्री के मीनिंग वैसे मुल्क होते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ टाउन माउस वेंट ऑन अ विजिट टू हिज कज़िन इन द कंट्री। कुछ अरसा पहले की बात है, शहरी चूहा अपने कज़िन से मिलने के लिए देहात में गया, जो कि देहात में रहता था। कज़िन कहते हैं खालाजाद, मामूजाद, चचाजाद, फूफीजाद भाई को। द कंट्री माउस वाज अ सिंपल, कंट्री माउस देहाती चूहा बहुत सादा था, रस्टिक फेलो था, वो देहाती था। ही लव्ड हिज टाउन फ्रेंड, वो उसके दोस्त से बहुत प्यार करता था। ही गेव हिम अ हर्टी वेलकम, बीन्स, चीज एंड ब्रेड वेयर ऑल ही हैड टू ऑफर। देहाती चूहे ने उसे खाने में फलियाँ, मक्खन, रोटी, ब्रेड, ब्रेड की मीनिंग रोटी होते हैं, वेयर ऑल ही हैड टू ऑफर, सब कुछ उसे पेश किया जो कुछ उसके पास था। बट ही ऑफर्ड देम फ्रीली, लेकिन उसने वो सब बिला खौफ आज़ादी के साथ उसे खाने के लिए पेश किया। द टाउन माउस रेदर टर्न अप हिज लॉन्ग नोज, बल्कि शहरी चूहे ने इतना कुछ उसे मिलने के बाद भी अपनी नाक को सुखेड़ लिया और अपना मुंह फेर लिया उस खाने से। दिस सिंपल कंट्री फेयर एंड सेट, और उस खाने को देखकर कहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कज़िन हाउ यू कैन पुट अप विद दिस पुअर फूड, मैं समझ नहीं सकता कि इस मुफलिसी के खाने पर तुम कैसे इक्तफा करते हो। पुट अप इसे यहाँ पर इक्तफा में लिया गया है, इक्तफा करना। बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर इन द कंट्री, और तुम तवक्को भी नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्सपेक्ट के मीनिंग तवक्को के लिए गए अच्छे खाने की, क्योंकि ये देहात है। कम विद मी एंड आई विल शो यू हाउ टू लिव, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे जीते हैं, लिव यानी जीना। व्हेन यू सी टाउन लाइफ यू विल वंडर हाउ यू कुड एवर लिव इन द कंट्री, और जब तुम वहाँ देखोगे शहर की ज़िंदगी तो तुम सोच में पड़ जाओगे कि मैं कितनी अजीब ज़िंदगी जीता हूँ देहात में। नो सूनर सेट देन डन, अब बगैर कुछ कहे द टू माइस सेट ऑफ। अब ये दोनों चूहे, यहाँ पर माइस के मीनिंग चूहे हैं और माउस के मीनिंग एक चूहा होते हैं। फॉर द टाउन एंड अराइव्ड एट द बिग हाउस वेयर द टाउन माउस लिव्ड इन अ होल, दोनों वहाँ से निकल गए शहर के लिए, और जब वो पहुँचे एक बड़े से घर में जहाँ पर शहरी चूहा एक बिल में रहता था, होल में रहता था। यू विल वॉन्ट सम रिफ्रेशमेंट आफ्टर अवर लॉन्ग जर्नी, अब तुम्हें लंबे सफ़र के मसाफात के बाद कुछ नाश्ता या खाने की ज़रूरत होगी। सेट द पोलाइट टाउन माउस, नरमी से शहरी चूहे ने कहा, एंड टुक हिज फ्रेंड इन टू अ ग्रैंड डाइनिंग रूम, और उसे एक बड़े डाइनिंग रूम में लेकर गया जहाँ पर खाना खाया जाता है, डाइनिंग रूम में। दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ अ फाइन फीस्ट, वहाँ कुछ खाना बचा हुआ था, वो दोनों को मिल गया खाने के लिए, बहुत ही लजीज अच्छा खाना था। सून द टू माइस वेयर ईटिंग अप, जल्दी उन दोनों चूहों ने खाना शुरू कर दिया, जेलीज एंड केक्स एंड ऑल दैट वाज नाइस, जेलीज केक के साथ जो कुछ वहाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था वो। प्लीज़ टर्न ओवर द पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 40, इट इज़ पेज नंबर 40। सडनली दे हेयर्ड ग्रोलिंग एंड बार्किंग, अचानक उन्हें ग्रोलिंग यानी गुर्राने की आवाज़ आई और भौंकने की आवाज़ आई। व्हाट इज डैट, सेड द कंट्री माउस, ये क्या है, देहाती चूहे ने पूछा। इट इज़ ओनली द डॉग्स ऑफ द हाउस,
आंसर द अदर, दूसरे चूहे ने जवाब दिया, ये सिर्फ कुत्ते हैं। ओनली सेड द कंट्री माउस, देहाती चूहे ने कहा सिर्फ। अब यहां पर ओनली जो मीनिंग लिए गए सिर्फ के नहीं लिए हैं, बल्कि बहुत ज्यादा के लिए। उसने उसको ताज्जुब से पूछा है कि इतना बड़ा खतरा, बहुत कुछ है और तुम सिर्फ इसे सिर्फ कह रहे हो। आई डू नॉट लाइक डैट म्यूजिक एट माई डिनर, और मैं ये आवाज़ें म्यूजिक शाम के खाने के वक्त, डिनर के वक्त पसंद नहीं करता सुनना। यहाँ पर देखिए म्यूजिक के मीनिंग लिया है खराब आवाज़ें, यानी कुत्ते की जो भौंकने की और गुर्राने की आवाज़ें थी वो खराब आवाज़ों के लिए लिया गया। जस्ट एट दैट मोमेंट द डोर फ्लू ओपन, अब यहाँ पर अचानक जो है दरवाज़ा उड़ते हुए जैसे खुला। इन केम टू ह्यूज मास्टिफ्स, और दो बड़े से मास्टिफ्स, यानि एक अलग नस्ल के चूहे कुत्ते होते हैं बड़े बड़े, वो अंदर दाखिल हो गए, ह्यूज यानि बड़े। एंड द टू माइस हैड टू स्कैम्पर डाउन एंड रन ऑफ, और वो जब उन्होंने ये देखे दो दुश्मन, दो खतरनाक दुश्मन, तो उन्होंने वो नीचे भागे। गुड बाय कजिन सेड द कंट्री माउस, और उन्होंने उसको सलाम करके, उस देहाती चूहे ने शहरी चूहे को सलाम करके चला गया और कहा गुड बाय। व्हाट गोइंग सो सून, क्या तुम जा रहे हो, सेड द अदर, शहरी चूहे ने कहा कि तुम जल्दी चले जा रहे हो। यस ही रिप्लाइड, हाँ उसने जवाब दिया, बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस देन केक्स एंड जेलीज इन फियर, यहाँ पर फियर की मीनिंग लिए हैं खौफ के, और पीस की मीनिंग है अमन सुकून के या आज़ादी के। इसलिए उसने ऐसा कहा है कि मुझे सुकून से फलिया और रोटी खाना पसंद है, जबकि जेलीज और केक्स खौफ में खाने के बदले। ये कहानी का एक हिस्सा था, खास लेसन था कि सुकून से हमें कोई भी खाना मिले वो अच्छा है, खौफ और पाबंदी में चाहे वो कितना ही लजीज खाना हो वो इतना मज़ा नहीं देता। यहाँ पर आपको मैं अब कुछ वर्ड्स मीनिंग भी बताता चलूँ। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कज़िन आ रिलेटिव, एक रिश्तेदार कज़िन को कहते हैं, खालाजाद मामूजाद चाचाजाद पुपीजाद भाई को। कंट्री रूरल एरिया, एन एरिया आउटसाइड अ सिटी और टाउन, ऐसा एरिया, ऐसा एक एरिया जो शहर के अतराफ में या पास में होता है। रस्टिक, रस्टिक बताया मैंने आपको देहाती। रूरल लिविंग इन अ विलेज, जो देहात में रहता हूँ। फेयर डिजा फूड खाना। रिमेन्स लेफ्ट ओवर पार्ट्स, जो बची हुई चीज़ें होती हैं उसे रिमेन्स कहते हैं। गेस द मीनिंग ऑफ टर्न अप हिज लॉन्ग नोज, टर्न अप हिज लॉन्ग नोज यानि उसने उसकी नाक को टर्न कर लिया, यानि उसने इनकार कर दिया, ये मीनिंग होंगे इसके यहाँ पर। पुट अप विद इक्तफा करना, पुट अप विद इसके साथ इक्तफा करना किसी चीज़ के साथ, जैसे हमें अच्छा अच्छा खाना भी मिलता है और कभी सादा खाना मिलता है तो हम उस पर भी इक्तफा कर लेते हैं। सेट ऑफ तैयारी कर लिए, निकल गए चले गए, ये मीनिंग होते हैं इसके। रिफ्रेशमेंट, यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए खाना गिजा नाश्ता होते हैं। अब ये देखिए थिंग्स टू डू, यानी ये करने की चीज़ें हैं क्या है तो देखते हैं। डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कंट्री लाइफ एंड टाउन लाइफ, कुछ आपको फीचर्स झलकियाँ वगैरह बताना है जो टाउन में आपकी ज़िंदगी में होती है। तो देखिए आप सबसे पहले आलीशान इमारतें शहर में होती है, आलीशान गाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सड़कें खूबसूरत, गार्डन्स,
पार्क, मॉल्स, होटलें, ये सब शहर के अंदर होता है जो हमें सुविधा या सहूलियात फराहम करता है। री राइट द स्टोरी यूजिंग एंड मेकिंग अदर एप्रोप्रिएट चेंजेस। अब आपको ये स्टोरी कुछ इंसानी कैरेक्टर के साथ तब्दील करना है, जैसे एक देहाती इंसान और एक शहरी इंसान और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। आप देखते हैं कि एक शहर में होटलों में रहता है इंसान और अलग अलग रहता है, गाड़ियों में घूमता है, गार्डन में, पार्क में और सिनेमाज में, होटलों में जाता है, और एक देहाती बेचारा खेतों में काम करता है, मेहनत कश होता है, हरियाली होती है हर जगह, कुएँ होते हैं, तालाब होते हैं, झरने होते हैं। ऐसी कहानी इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं मुनासिब। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओनली? यहाँ पर ओनली की मीनिंग हमको बताना है। यहाँ पर ओनली की मीनिंग यह है कि बहुत ज़्यादा, सिर्फ नहीं हो गए यहाँ पर, यानी दो बड़े से कुत्ते मास्टिफ्स और वो इन पर हमला कर रहे हैं, इन्हें खाने के लिए दौड़ रहे हैं, और दूसरा चूहा कह रहा है सिर्फ, बल्कि सिर्फ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा था। आइए पेज सेकंड 40 पर और क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़ है ये देखते हैं। व्हाट डज द कंट्री माउस मीन बाय ओनली? अब कंट्री माउस ने ओनली की मीनिंग यहाँ पर क्या लिया है? उधर ओनली सिर्फ उसके मुताबिक था, लेकिन यहाँ पर कंट्री के माउस की मुताबिक ओनली बहुत ज़्यादा के हो गए। ह्यूज बहुत बड़ा, वेरी बिग, जैसे हिमालय पहाड़ होता है वेरी बिग है, ह्यूज है। मास्टिफ्स बिग डॉग्स ऑफ अ स्पेशल ब्रीड, एक नस्ल होती है जिसके कुत्ते बड़े बड़े होते हैं, स्पेशल ब्रीड होती है उसकी। डिस्कस व्हाट इज़ बेटर, कंट्री लाइफ और टाउन लाइफ, व्हाई? अब आपको इसके ऊपर डिस्कस करना है कि अच्छी लाइफ कौन सी है, शहरी लाइफ होती है या देहाती लाइफ है। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ देहाती लाइफ के अंदर और शहरी लाइफ के अंदर। शहरी लाइफ के अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा आराइश, आसाइश और नुमाइश होती है, हर चीज़ की सहूलत होती है। अगर इंसान बीमार पड़ जाए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकता है और होटलों में जा सकता है, एक से एक खाना खा सकता है, हवाई जहाज़ और बसेस के अंदर, कारों के अंदर, आलीशान इमारतों के अंदर आना जाना कर सकता है, आलीशान इमारतों के अंदर सुकून से रह सकता है। और टाउन लाइफ के अंदर इंसान पुरसकून रह सकता है, आवाज़ें उसे कुछ नहीं आती, हर तरफ सुकून, ताज़ी हवा होती है, हरे भरे पहाड़, मंजर हसीन होते हैं, लेकिन उसके पास कुछ सहूलियात मौजूद नहीं होती और अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसे शहर में आना पड़ता है। तो शहर में और देहात में ये फ़र्क है, आप भी इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगती है, देहात की या शहर की। आइए देखते हैं इंग्लिश वर्कशॉप। दिस स्टोरी हैज़ टू पार्ट्स, राइट व्हाट हैपेंड इन ईच पार्ट। इसके अंदर दो हिस्से हैं और इन दोनों हिस्सों के अंदर क्या हुआ है ये हमको लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लिखिए और इसे ग्रुप पर डालिए। नीचे देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग, नीचे कुछ लाइंस दी गई है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तमाम तलबा इसका होमवर्क करके हमें डालिए, ट्रांसलेशन कीजिए। अल्लाह हाफिज़।